अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम अपने उन दोस्तों के लिए जो कि ईस्टर मनाते हैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट चीज़ केक लेके हाजिर हुए हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्तों को ये पसंद आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये ईस्टर के लिए बनाया जाए, आप चाहें तो इसको अपने बच्चों के लिए वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव बिस्किट रखे हैं, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। थोड़े से मैंगो के टुकड़े हैं, साथ ही साथ बटर है, चॉकलेट एग्स हैं, मैंगो जैम है, इसके अलावा फुल क्रीम थोड़ी सी फेंट के रखी है, बाकी बाद में फेंटेंगे, और क्रीम चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बिस्किट जो है इनको अच्छे से पीस लेना है। जैसा कि हमने कहा, आपको जौन से बिस्किट पसंद हो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा घुमाना फिराना है और उसके बाद इसको हमने मशीन को बंद कर देना है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं। फ्रोज़न हमारे पास बेरीज हैं और ये मैंगो, इनकी हमने अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट तैयार करनी है, लेकिन इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी फुल क्रीम और क्रीम चीज़। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने फुल क्रीम डाली है और 2 टेबलस्पून हमने क्रीम चीज़ डाली है। तो चलिए इसको अच्छे से हम इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार करते हैं। ये हमने पीस लिया है और अब बारी है, इसमें 2 भर के चम्मच डाल दीजिए मैंगो जैम के और उसके बाद इसको दोबारा से ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपको पीला रंग ज़्यादा गहरा चाहिए तो आप इसमें पीला रंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो फुल क्रीम हमने रखी है उसको दोबारा से थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम चीज़ और यहाँ पर भी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। 1 चम्मच के करीब लेमन जूस शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको दोबारा से अच्छे से फेंट लेते हैं। और काफ़ी थिक है ये, ऑलरेडी हमने जैसे कहा फेंट के रखी हुई थी, बस थोड़ा सा मिक्स करने के लिए ही हमने करना था। 2 चम्मच इसमें हमने चीनी डाली थी जो आपको दिखाना भूल गए हैं, तो आप इस तरह से भर भर के डाल सकते हैं। अब बारी है हमारे जो चॉकलेट एग्स हैं इनकी। किसी भी तेज़ छुरी के साथ बहुत एहतियात के साथ इसको काटिएगा, वरना ये बहुत जल्द टूट जाते हैं। तो इसके अंदर लगी हुई लाइन से इसको हमने काटा है, एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में। तो इनको काट के तैयार कर लिया है हमने और अब बारी है फिलिंग की। तो अब 1 अंडे में हमने ये क्रम्स डाले हैं, इनको दबा दबा के बहुत अच्छे से हमने इसकी जो बेस है वो तैयार करनी है, लेकिन बहुत एहतियात से दबाइएगा, ये ना हो कि ये अंडा टूट के आपके हाथ में आ जाए। तो ये बेस बन गई है। अब इसके ऊपर हमने क्रीम की लेयर देनी है बिल्कुल ऊपर तक, इसको हमने अच्छे से फिल कर देना है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से बराबर करना है। किसी भी चीज़ की मदद से आप कर सकते हैं। अब चूँकि अंडा है तो जर्दी बनेगी, तो दरमियान में से थोड़ा सा हम इसको, ये देखिए ये हमने जगह खाली की है और बाकी की जो ये क्रीम निकाली है उसको साइडों में लगा दीजिए और उसके बाद इसको फिल कर दीजिए मैंगो प्यूरी के साथ। लीजिए जनाब, ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो बाकी के अंडे हैं, आप जिस तरह से भी चाहें इनका डिज़ाइन बना सकते हैं। हम यहाँ पे चॉकलेट चिप्स जो हैं लगाए हैं और ऊपर थोड़ी सी प्यूरी डाली है। और अगर आपको ये चॉकलेट के अंडों में पसंद नहीं हो तो आप इस तरह से किसी भी सांचे में डालिए, इसको अच्छे से दबा दबा के इसकी बेस तैयार कर लें। और बेस जब तैयार हो जाए तो इसके ऊपर लेयर देंगे हम एक क्रीम की। तो इस क्रीम की लेयर को अच्छे से बराबर करते हुए इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं चॉकलेट चिप्स। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो लगाइए, वरना स्किप कर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हमने प्यूरी डालनी है। प्यूरी डालने के बाद इसको भी बराबर करते हैं और फिर एक लेयर देंगे हम दोबारा से क्रीम की। तो अब अगर आप चाहें तो उसी तरह से इसको दरमियान में से थोड़ा सा डाउन करके तो इसके अंदर हम दोबारा से वो जो प्यूरी है वो भर देंगे। और उसके बाद इसको हमने 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है और जितनी देर ज़्यादा रखें आप उतना ही ये मज़ेदार बनेगा और ठंडा रहेगा। तो लीजिए ये बन के तैयार हो गया है, हमने इसको निकाला है आपको दिखाने के लिए। तो
इसको चम्मच की मदद से निकाल के भी दिखा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने खूबसूरत कमेंट्स देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये केक भी आपको काट के दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें सारी लेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो चलिए हम इसको इंजॉय करते हैं और आप इसको बनाने की तैयारी करें। अल्लाह निगेबान हो आप तमाम दोस्तों का।